सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओटे गेमिंग। सो गाइस, मैं अग्नि वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और भाई, आज मैं गेस खेल रहा हूँ 4x4 स्क्वाड मैच, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस हम उतरे अपनी टीम को लेके उतरा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टीम की बात करें तो भाई एक्चुअली गाइस अननोन स्क्वाड है, सीक्रेटली बता रहा हूँ, ठीक है। अननोन स्क्वाड है और एक बंदा यहाँ पे आप टॉप वन पे देख रहे हो, बीसी रॉकी अपना फ्रेंड है। ओके, सो गाइस हम रैंडमली खेल रहे थे, सो सोच ही लिया कि वीडियो शूट कर लूँ। एंड गाइस यहाँ पे जो सिंपली जब पीक पे उतरे, एंड यहाँ पे सारा कुछ चीज ही नहीं है यार, सॉरी मुंह से उल्टा उल्टा निकल रहा है, छोड़ो। सो इसको थोड़ा सा इग्नोर करो, ठीक है। मेरे को गालियाँ देना पसंद नहीं, ठीक है, आपको पता ही होगा। एंड भाई यहाँ पे देखो, अपना बंदे ने गाइस एक बंदे को यहाँ पे खत्म कर रखा है। और भाई यहाँ पे मैं सिंपली थोड़ा सा ग्लू ग्लू ले लेता हूँ। एंड देखो सामने बंदा यार, इसको मैं चलो इस खत्म कर देता हूँ, मैं अपने बंदे को किल दे देता हूँ। यहाँ पे गाइस सिंपली मैं ले लूँगा AUG, और गाइस मैं यहाँ पे M14 को यहाँ पे चेंज करके AUG लूँगा। एंड भाई सामने जो है बंदा को एम कर रहा है, बंदा अपना बंदा सामने बंदा को एम कर रहा है, तो ऑब्वियसली गाइस बंदा सामने होगा। एंड देखो सामने बंदा दिखा, बट गाइस मैंने थोड़ा सा इसे डैमेज दिया 29 का। यहाँ पे सिंपली जो मैं रश मारने जाऊँगा बोला, बट वहाँ पे बंदा दिखा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखो दो बंदे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ अपने मतलब टीममेट्स को, बताना जरूरी होता है कि सामने बंदे हैं, और अगर भी और बंदे आ जाएं तो उनको कैसे संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दो बंदे को सिंपली डाउन किया है, और यहाँ पे चलो सिंपली अभी दो बंदे को डाउन हुआ, और पीछे से भाई बंदा एक मार रहा था, सो उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, क्योंकि अभी बंदे अपने पास पास आ रहे हैं। और भाई नेट फेंक रहा है यार बंदा, काफ़ी हद तक अच्छा बंदा है यार, नेट फेंक रहे नेट फेंकना कौन सी, नेट फेंकना बुरी बात थोड़ी ना है, सो ऑब्वियसली अच्छा ही बंदा है, ठीक है। देखो सामने ऊपर बंदा, ओ भाई साहब साइड से यार मॉन्स्टर ट्रक से यार मेरे को मार दिया यार, क्या ही चीज़ है यार, गाड़ी से यार साइड में आके मारता है बंदा। देखो इधर और गाड़ी आ चुका है, यहाँ पे देखो बंदे क्या करते हैं इसका। ओ भाई भी रॉकी भाई भी गए यार, ओ भाई ये कौन है यार, डॉक्टर शुभ, देखते हैं ये बचा रहा है हमको, रिवाइविंग पॉइंट में जा रहा है, सो ऑब्वियसली ये बचाएगा हमको। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक सही बंदा है, चल बचा ले भाई तेरे ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है, चलो अभी बचा ही ले हमको। तो गाइस यहाँ पे फाइनली जो है, चलो यहाँ पे बचा ही रहा है। एंड भाई यहाँ पे फाइनली हम गाइस फिर से गाइस हमारा लैंडिंग हो चुका है। एंड यहाँ पे रॉकी भाई के साथ मैं उतर रहा हूँ, और भाई यहाँ पे अपना कौन बंदा गया यार, संजू गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको भी बचा लेंगे, क्योंकि और एक रिवाइवल पॉइंट बाकी होता है, आपको पता है मास इलेक्ट्रिक और फैक्ट्री के मतलब बीचों बीच एक गाइस मतलब रिवाइवल पॉइंट है, सो ऑब्वियसली वहाँ पे अभी मतलब चार्ज होगा, सो वहाँ पे थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रॉकी भाई बहुत आगे उतर गए हैं, एंड मैं जब पीछे उतरा हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली लूट पार्ट थोड़ा सा कर लेता हूँ M14। और भाई यहाँ पे यार थोड़ा सा क्या ये ग्लिच खा रहा है यार, छोड़ो। तो यहाँ पे गए थोड़ा सा मैं लूट पार्ट कर लेता हूँ, और भाई रॉकी भाई तो पूरा बचाने गए हैं, और यहाँ पे डॉक्टर श्रुप भी गए, तो यहाँ पे सिंपली हम चलो बचा लेते हैं। यहाँ पे रॉकी भाई बचा रहे हैं, तो यहाँ पे इनका ये तो बचा रहे, तो मेरा क्या क्या, आगे मैं थोड़ा सा लूट पार्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास अच्छा खासा गन नहीं है। एंड यहाँ पे गए मैं ले लूँगा MP40 को, बट इसकी एमओ एक भी नहीं है MP40 की, एंड MP40 चलाना पसंद है बट एमओ तो नहीं है, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज करना होगा M14 से। और M14 की आपको पता है कि उसमें गोली जो निकलती है उसका मतलब डैमेज कितना होता है, अच्छा खासा डैमेज होता है। देखो सामने बंदा, और इससे गाइस मैंने सोचा डैमेज देने का ट्राई किया, और भाई बंदा यहाँ पे सिंपली भाग गया। एंड यहाँ पे मैं घूम फिर के आके इसको फिर से मार दिया, यहाँ पे सिंपली मैंने इसे मारा, और भाई पिंग की थोड़ी सी बात ही गाइस छोड़ ही दो यार, काफ़ी हद तक बारिश हो रही है इसलिए गाइस पिंग अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस मैं ले लूँगा प्लाज्मा, बिकॉज प्लाज्मा गाइस आपको पता है चार्ज होने से ही मारती है, और अगर चार्ज नहीं हुई तो भाई गया, इसमें एमओ नहीं लगता, ओनली चार्ज करना पड़ता है। देखो सामने बंदा, और इसे गाइस हेड देके ख़त्म किया, और यहाँ पे रॉकी भाई, भाई साहब रॉकी भाई यार, इनको तो रिवाइव करना बनता है यार, जिगरी दोस्त है यार अपन की। तो यहाँ पे देखो ये सामने बंदा, और यहाँ पे भाई साहब रुको यार, टावर पे दो बंदे हैं, तो यहाँ पे समझ के थोड़ा सा खेलना होगा, सेफ गेम प्ले करना होगा। देखो गाइस यहाँ पे चलो उतरेगा अभी ये, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ग्लू तो लगाना होगा भाई। देखो सामने बंदा उतर गया, यहाँ पे गाइस मैंने इसे डैमेज दिया, और भाई यहाँ पे एक बंदा गया, और ऊपर और एक बंदा है, सो यहाँ पे गाइस मेरे को थोड़े से सेफ होना पड़ेगा, उसके पास पता नहीं आई थिंक ड्रैगन ऑफ है। तो देखो गाइस सामने बंदा, मैंने इसे खत्म कर लिया, और सिंपली ये लास्ट बंदा है, इसको खत्म करने के बाद सिंपली जो है मैच हो जाएगा बुआ। तो यहाँ पे मैं सिंपली आलोक इस्तेमाल करूँगा, वुकोंग तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखो ऊपर बंदा, उसके पास MO, भाई यहाँ पे मैंने उसको डैमेज दिया, बट फिर भी यार पिंग के वजह से यार, हट यार हद है यार, पिंग इतना आई जा रहा है मत ही पूछो यार। तो यहाँ पे गाइस सिंपली जो है मैच हो चुका है, बुआ गाइस, ठीक है। सो गाइस फाइनली मैच बुआ हो चुका है गाइस, एंड में बोलूंगा कि इस वीडियो पसंद आती है गाइस वीडियो को लाइक करना, और भाई चैनल पे गाइस जो भी नहीं होगा प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट जरूर से कर लेना गाइस, ठीक है। एंड गाइस जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, एंड गाइस थैंक यू।